एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने कल बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, जो कि कल आंसर आया था E इक्वल टू के 2 लैम्डा ओवर आर। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन प्लेन चार्ज शीट। हेडिंग पर थोड़ा ध्यान देना है, इनफाइनाइट का मतलब है कि मुझे ये नहीं पता कि वो कितना एक्सटेंडेड है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है पता नहीं कितना एक्सटेंडेड है। थिन शीट जो है बहुत पतली है, एकदम पतली एकदम माइनूट प्लेन चार्ज शीट जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और मैंने इस शीट को पॉजिटिवली चार्ज माना, हम उसको नेगेटिवली चार्ज भी मान सकते थे लेकिन हम लोग पॉजिटिव पर केस लेके चल रहे हैं, और मुझे ये पता है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज शीट लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मली आउटवर्ड। परपेंडिकुलर और नॉर्मली वर्ड देखिए, इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव चार्ज शीट है तो होगा नॉर्मली आउटवर्ड, और अगर नेगेटिवली चार्ज शीट होगा तो होगा नॉर्मली इनवर्ड। तो मुझे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन तो पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें इसमें गॉस थ्योरम यूज करना है, तो गॉस थ्योरम यूज करने से पहले हमें इसमें गॉसियन सरफेस देना पड़ेगा। तो हम करते क्या है, इसमें एक छोटा सा पोर्शन सपोज कर लेते हैं, इस पूरी शीट में एक छोटा सा पोर्शन है उसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही होगा, सिग्मा इज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के लिए हो जाएगा। और इसमें मैंने छोटा सा एक पोर्शन दे लिया है शीट में जिसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इसका एरिया हो गया ए। अब हम इस एरिया ए जो छोटा पोर्शन लिया है यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाते हैं, हमें सोचना है कि इसके अराउंड हम गॉसियन सरफेस कैसे बना सकते हैं। तो इसके अराउंड में जो गॉसियन सरफेस आएगा इस तरीके से एक लाइन सिलेंडर जैसा बन जाएगा, ये एक सिलेंडर मैंने बना दिया, दिस इज द गॉसियन सरफेस जिसका नेचर सिलिंड्रिकल है। अब इट इज बाउंडेड बाय थ्री सरफेसेस, इसमें भी तीन सरफेस है, नंबर वन ये वाला सरफेस हो गया, नंबर टू ये जो करंट पोर्शन होता है सिलेंडर का वो हो गया, और नंबर थर्ड फिर से ये सर्कुलर पोर्शन हो जाएगा, मतलब ये दोनों फ्लैट एंड वन और थ्री हुए, और ये वाला जो थर्ड पोर्शन है वो हो गया नंबर टू। अब बात यह है कि हमने सिलेंडर एक ही तरफ ना बना के दोनों तरफ क्यों बनाया है, उसका रीजन ये है कि ये जो शीट है बहुत थिन है, बहुत पतली है, अगर हम जो भी चार्ज देंगे वो चार्ज केवल एक ही तरफ नहीं होगा बल्कि वो चार्ज दोनों तरफ आएगा, इसलिए हमें इस गॉसियन सरफेस को दोनों तरफ ही बनाना पड़ेगा। अब हम वो कैलकुलेट करते हैं और गॉस थ्योरम का अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू नेट चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द नेट फ्लक्स। अब मुझे क्या करना है, क्लोज इंटीग्रेशन है और ये हमारा गॉसियन सरफेस तीन सरफेस से मिलकर बना है, तो ये तीनों सरफेस के लिए इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे सेपरेटली। फॉर द फर्स्ट सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर मान लेते हैं ds1 कोई एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे हम फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए अप्लाई करेंगे E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, और नंबर थर्ड अप्लाई होगा थर्ड सरफेस के लिए E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड सरफेस के लिए बारी बारी से कि E और ds के बीच में क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट सरफेस पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम छोटा सा एक एलिमेंट्री पोर्शन एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये पार्ट कितना सा डी एस वन हो जाएगा, ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा डी एस वन वेक्टर। तीनों को पहले ले लेते हैं करके, फर्स्ट हो गया, ऐसे हम सेकंड पे भी एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये डी एस टू एलिमेंट हो गया है और इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा डी एस टू वेक्टर। ऐसे ही थर्ड सरफेस के लिए भी छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन एज्यूम कर लेते हैं डी एस थ्री और ये हो गया उसका वेक्टर डी एस थ्री वेक्टर। अब मुझे बनानी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड है, तो फिर सबसे पहले इस पॉइंट में देखेंगे शीट की वजह से ये नॉर्मली आउटवर्ड बन जाएगा ई वेक्टर, इस वाले पॉइंट में देखेंगे ये डायरेक्शन आ जाएगी
और इस वाले पॉइंट पे देखेंगे डीएसटी एलिमेंट पे डायरेक्शन पे। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर इसके और इसके बीच में एंगल जीरो हुआ, यहां पे एंगल 90 हुआ, यहां पे एंगल जीरो हुआ, तो यहां पे फ्लक्स होगा फर्स्ट सरफेस पे, थर्ड पे होगा, लेकिन सेकंड पे फ्लक्स नहीं होगा। अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ई डी एस वन कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी एस टू कॉस, सेकेंड सरफेस के लिए कितना था 90 डिग्री था, प्लस थर्ड सरफेस के लिए ई डी एस थ्री कॉस, थर्ड सरफेस के लिए कितना है 0 डिग्री है, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब यहां पर देखेंगे कि कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, केवल ये पोर्शन बचेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ये हमने केवल समझाने के लिए कट किया है, आपको कट नहीं करना है, केवल समझाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं ये कितना बचेगा, ई डी एस वन प्लस ई डी एस टू, ये फर्स्ट और ये सॉरी थर्ड सरफेस के लिए बनेगा, थर्ड सरफेस के लिए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई को बाहर करेंगे अंदर आएगा डी एस वन प्लस डी एस टू इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें यहां पर देखना है जो डीएस वन सरफेस है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमने इस वाले पोर्शन में से छोटा सा एलिमेंट लिया डीएस वन, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया बन जाएगा, और ये टोटल एरिया कितना है, जितना ये होगा उतना ये होगा। इस एरिया को मैंने कैलकुलेट किया ए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा इसकी जगह पे ई इंटू प्लस ई इंटू, इसी टाइप से डीएस थ्री डीएसटी सरफेस ये एलिमेंट इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, और ये पूरा एरिया इस एरिया के इक्वल ही है, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और ये कितना हो गया टू ई ए इक्वल टू। अब ये क्यू है इसको हम चेंज कर सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। मैं ज़ूम कर ले रहा हूं कि यहां पे चार्ज क्यू है, इसका एरिया ए है, तो क्यू अपॉन ए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इनटू ए, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम यहां पे पुट कर देंगे क्यू के प्लेस पे सिग्मा इनटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ ई इक्वल टू 2 इनटू ए को ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में जाएगा 2 ए एप्सिलॉन नॉट, ए और ए कट हुआ, नाउ वी गेट E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसी को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या आएगा R क्या, क्योंकि मैंने कहीं इसमें R तो अज्यूम किया नहीं है, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक R है, और ये भी डिस्टेंस R है, तो ये R क्या है, मतलब यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिवली चार्ज शीट होगी, जैसे शीट की पॉजिटिवली चार्ज और एक शीट है मान लो नेगेटिवली चार्ज, थिन शीट है, और इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनाते हैं। अगर नेगेटिवली चार्ज शीट है तो फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ आ जाएगी टुवर्ड द सीट बट परपेंडिकुलर। एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसी फॉर्मूले में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया इस पॉइंट पे कैलकुलेट किया आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे कैलकुलेट किया आर डिस्टेंस पे, लेकिन हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले में कहीं भी आर नहीं है, ये डिस्टेंस आई ही है, इसका मतलब ये चाहे हम सरफेस यहां ले लेते या यहां कर लेते या आगे भी ले लेते उससे अंतर नहीं पड़ता, वैल्यू सेम आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द शीट, इसका मतलब हर जगह सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ही सेम रहेगा, अगर हम लार्ज डिस्टेंस के लिए जाएंगे तो ये वैल्यू धीमे धीमे कम होती जाएगी। तो ये एक हो गया है। अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट है पॉइंट टू बी नोटेड, ये मैंने थिन सीट ली है, अगर ये थिन की जगह थिक सीट होती तो क्या होता, अगर ये थिन की जगह है हम लोग एज्यूम कर लेते कि शीट की कुछ ना कुछ मोटाई है, तो अगर हम जो भी चार्ज देते
वो दूसरी तरफ भी नहीं आता, वो चार्ज जो है सरफेस के एक ही तरफ रहेगा, मतलब एक ही तरफ रहेगा। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो गॉसियन सरफेस भी केवल उसी तरफ बनाएंगे जिस तरफ चार्ज, जैसे राइट साइड चार्ज है तो गॉसियन सरफेस इस तरफ भी बनेगा, आधी तरफ भी बनेगा। तब इसको सॉल्व करने सिग्मा अगर शीट थिन ना होगी थिक शीट